आइए अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की कुछ लेटेस्ट खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में। सारा अली खान इन दिनों फिल्म मेकर्स के ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। हाल ही में उन्हें आनंद एल रॉय के ऑफिस के बाहर देखा गया। अब खबर है कि वो विशाल भारद्वाज के साथ काम करना चाहती हैं। वो उनसे मुलाकात करने जा रही हैं। सुना है कि विशाल भी सारा को लेकर एक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं, जिसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के डैनिकाय मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस साल जून में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने 2019 में पुरस्कार विजेता के तौर पर प्रियंका चोपड़ा के नाम की घोषणा की थी। प्रियंका ने यह स्नोफ्लेक बॉल में पुरस्कार ग्रहण किया और अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उनकी तस्वीरों को निक जॉनस ने भी पसंद किया है। शाहिद कपूर इस समय फिल्म जर्सी की तैयारी में जुटे हुए हैं। फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले शाहिद कपूर खूब पसीना बहाते दिखाई दिए। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में एक और दमदार किरदार की एंट्री हुई है। जी हां, शाहिद कपूर के पिता पंकज कपूर भी इस फिल्म में अहम किरदार में दिखाई देंगे। अर्जुन कपूर और संजय दत्त की फिल्म पानीपत को लेकर आमिर खान ने ट्वीट कर दिया है। आमिर खान ने पानीपत पोस्टर एक तस्वीर साझा करते हुए ट्विटर पर लिखा है, आप सभी को फिल्म के लिए शुभकामनाएं, उम्मीद करते हैं कि फिल्म शानदार काम करेगी और ये फिल्म इसके लिए डिजर्व करती है। अर्जुन ने आमिर को शुक्रिया बोला है। बिग बॉस का सीजन 13 कई मायनों में सुपरहिट हो रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस हाउस में एक एग्रेसिव गेम खेलने के लिए जाने जाते हैं और घर में उनकी किसी न किसी से तू तू मैं मैं होती ही रहती है। अब खबर आ रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला को घर से बेघर कर दिया गया है। जी हां, बिग बॉस के फैन पेज बिग बॉस खबरी के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला को घर से बाहर भेज दिया गया है। चौवन की उम्र में भी सलमान खान की फीमेल फैन के बीच पॉपुलैरिटी बहुत है। अनन्या पांडे भी सलमान खान की बिग फैन है। हाल ही में अनन्या से पूछा गया कि वो किसे वो पति और वो बनाना चाहेंगी। जवाब में अनन्या ने कहा, सलमान को वो अपना पति बनाना चाहेंगी और उन्हें ही वो अपना वो बनाना चाहेंगी। उनका ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। संजय दत्त ने कपिल के शो में खुलासा किया है कि जब वो जेल में थे तो अपनी बहन के लिए पैसा कमाते थे। वो लिफाफे बनाया करते थे ताकि वो राखी पर अपनी बहन को गिफ्ट दे सके और बता सके कि उनकी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जेल में सजा कम करने के लिए काम करना पड़ता है। वो जेल में रेडियो जॉकी का भी काम कर चुके हैं। हाल ही में मलाइका अरोरा स्टाइल अवार्ड में नजर आईं। इस मौके पर उन्होंने मिरर वर्क की बेहद खूबसूरत ड्रेस पहनी हुई थी। इसी से जुड़ी खबर है कि जब वो शो में स्टेज पर जब अर्जुन कपूर को बुलाया गया तो मलाइका उन्हें देखकर शर्मा गईं। वहीं कैमरे में उनके रिएक्शन को कैप्चर किया। बता दें, अक्सर दोनों अपने अफेयर की खबरों को लेकर खबरों में रहते हैं। फरहान अख्तर और उनकी गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये क्रायोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते नजर आ रहे हैं। बता दें कि क्रायोथेरेपी में काफी कम तापमान -100 डिग्री से भी ज्यादा होता है। इस दौरान थेरेपी लेने वाले शख्स को तेज ठंड में कुछ देर तक रहना पड़ता है। अब इसका चलन बढ़ रहा है। रानू मंडल के बाद अब 2 साल की एक छोटी बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में 2 साल की बच्ची लता मंगेशकर की आवाज में गाना गाती नजर आ रही है। इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरान है। इस बच्ची का नाम प्रज्ञा मेधा बताया जा रहा है। प्रज्ञा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शायद फ्रिज चलो मुला।